नमस्कार दोस्तों, सेविंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में LIC के एक नए गारंटीड इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानने वाले हैं। LIC के इस प्लान का दोस्तों नाम है LIC धनवर्दी, जिसका दोस्तों प्लान नंबर है 869 यानी कि 869। दोस्तों, LIC के ये ज़बरदस्त वन टाइम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान में FD से आपको यहाँ पर कई गुना बेहतर रिटर्न्स मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो अगर आप एक मुश्त पैसा जमा करके थोड़े टाइम बाद ही दोस्तों यहाँ पर हाई रिटर्न लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि दोस्तों साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिले, तो दोस्तों ये प्लान आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। दोस्तों, इस प्लान की खास बात यह है कि इस पर आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी दोस्तों इस प्लान के सभी बेनिफिट्स आपको LIC की तरफ से गारंटीड दिए जाएंगे और सेविंग के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। आप चाहें तो दोस्तों जो इंश्योरेंस कवर है उसको आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आप पर दोस्तों डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कवर चुनने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, जिसमें दोस्तों पहले ऑप्शंस के तहत आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसका यहाँ पर 1.25 टाइम इंश्योरेंस कवर आप ले पाएंगे। वहीं दोस्तों ऑप्शन टू की बात करें तो उसमें जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका दोस्तों 10 टाइम यानी कि 10 गुना इंश्योरेंस आप कवर ले पाएंगे। इसमें अगर आप इंश्योरेंस कवर का टाइम कम चुनते हैं तो आपको दोस्तों सेविंग्स का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलेगा, वहीं ज़्यादा कवर लेने पर दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। चलिए इस प्लान की दोस्तों जो एलिजिबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें दोस्तों पॉलिसी टर्म की, तो इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 10 साल की पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं, 15 साल की, या फिर दोस्तों आप 18 साल की जो पॉलिसी टर्म है वो ले सकते हैं। यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों तीन ऑप्शंस के लिए क्राइटेरिया आप अलग अलग देख लेते हैं। तो 18 साल की दोस्तों पॉलिसी टर्म के लिए अगर आप ऑप्शन वन लेना चाहते हैं इंश्योरेंस के तहत, तो दोस्तों मिनिमम एज ऑफ एंट्री यहाँ पर 90 डेज है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री दोस्तों इसमें 60 साल की है। यानी दोस्तों यहाँ पर 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक की एज का कोई भी व्यक्ति LIC धनवर्दी ऑप्शन वन का जो 18 साल वाला पॉलिसी टर्म है वो ले सकता है। इसी में दोस्तों अगर आप ऑप्शन टू लेना चाहते हैं तो इसमें भी मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 डेज है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री यहाँ पर दोस्तों 32 ईयर की है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो ऑप्शन वन में दोस्तों 78 ईयर है, जबकि दोस्तों ऑप्शन टू में यहाँ पर 50 साल दी गई है। तो यहाँ पर आप जो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एंट्री एज और मैच्योरिटी एज है जो चेक करनी है। ये तो दोस्तों हो गई 18 साल के पॉलिसी टर्म की रिक्वायरमेंट। अब अगर दोस्तों आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो ऑप्शन वन में दोस्तों एंट्री जो मिनिमम एज है वो 3 साल की है, वहीं यहाँ पर मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो 60 साल है। वहीं यहाँ पर दोस्तों एग्जिट एज जो मिनिमम है वो 18 साल की है और मैक्सिमम एग्जिट जो एज है वो 75 साल की है। ऑप्शन टू की बात करें तो मिनिमम दोस्तों जो एज है एंट्री की वो यहाँ पर 3 साल की है, जबकि मैक्सिमम एंट्री एज वो 35 साल की है। इसमें दोस्तों मिनिमम जो एग्जिट एज है वो 18 साल की है और 50 साल की मैक्सिमम एग्जिट एज है। दोस्तों मैं यहाँ पर टेबल दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो रोककर टेबल से समझ सकते हैं। 10 साल की दोस्तों पॉलिसी टर्म के लिए आप वीडियो रोककर इस प्लान को पूरा देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें सम एश्योर्ड की, यानी आप इस प्लान में कम से कम और अधिकतम कितने रुपए का बीमा ले सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मिनिमम सम एश्योर्ड 1,25,000 रुपए है। इसका मतलब दोस्तों आपको ये पैसा एक साथ नहीं देना है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रीमियम कैलकुलेटर होकर आएगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम और बजट के अकॉर्डिंग दोस्तों चाहे जितने का सम एश्योर्ड है वो ले सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इस प्लान को समझने वाले हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपकी एज है 30 साल, सम एश्योर्ड आप 10 लाख का लेते हैं और इंश्योरेंस के लिए दोस्तों दो ऑप्शंस में से मान लीजिए आप ऑप्शन वन चुनते हैं, जिसमें आपको टेबुलर प्रीमियम का दोस्तों 1.25 टाइम है जो रिस्क कवर मिलता है। पॉलिसी टर्म आप यहाँ पर 18 साल का चुनते हैं तो 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते टाइम दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीमियम कितना देना है, 7,94,450 रुपये का प्रीमियम देना होगा, जो कि दोस्तों आपको एक साथ यानी कि वन टाइम पे करना होगा। अब पे करने के बाद दोस्तों आपको पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने तक यानी दोस्तों 18 साल तक आपको वेट करना होगा। यानी 48 की एज में जब तक आपकी एज यहाँ पर 30 साल थी, 18 साल आपने पॉलिसी प्रीमियम पे किया तो आपकी एज होगी यहाँ पर 48 ईयर। तो दोस्तों उस एज में आपकी पॉलिसी टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी दोस्तों आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी। तो उस समय मैच्योरिटी पर दोस्तों आपको सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों पॉलिसी का जो गारंटीड एडिशन है वो अमाउंट भी आपको मिलेगा। अब गारंटीड एडिशन का अमाउंट कितना मिलेगा
तो इसके लिए आप यहाँ पर दोस्तों ये टेबल देख सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर आपका प्रीमियम 7 लाख या फिर इससे ज़्यादा का है, हमारा जो प्रीमियम है वो दोस्तों 8 लाख रुपये करीब है, तो पॉलिसी टर्म 18 साल का ले रखा है। इसमें दोस्तों हमें 75 रुपये का गारंटीड एडिशन मिलेगा। दोस्तों ये जो 75 रुपये है अमाउंट है वो 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 लाख रुपये के सम एश्योर्ड पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर गारंटीड एडिशन के लिए सम एश्योर्ड को दोस्तों 1000 से डिवाइड करना है और 75 रुपये से दोस्तों मल्टीप्लाई करना है। इससे हमारा 1 साल का जो गारंटीड एडिशन अमाउंट है वो निकल कर आएगा और दोस्तों वो होगा यहाँ पर 75,000 रुपये। यानी दोस्तों 10 लाख के सम एश्योर्ड पर आपको ईयरली 75,000 रुपये का है जो गारंटीड एडिशन अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पॉलिसी टर्म 18 साल का ले रखा है, तो 75,000 को दोस्तों 18 साल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो होगा दोस्तों कितना, 13,50,000 रुपये। यानी दोस्तों 18 साल में हमें टोटल 13,50,000 रुपये का है जो गारंटीड एडिशन मिलेगा। साथ ही दोस्तों सम एश्योर्ड भी मिलेगा जो कि टोटल मैच्योरिटी आपको यहाँ पर 23,50,000 रुपये मिलेगी। अब आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन 1 के तहत 10 लाख के सम एश्योर्ड पर अलग अलग एज वाइज प्रीमियम कितना देना होगा और उस पर मैच्योरिटी कितनी मिलेगी वो भी अलग अलग पॉलिसी टर्म पर, वो आप अपने दोस्तों अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके कंप्लीट देख सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं उसकी कैलकुलेशन भी आप यहां पर इस टेबल पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने बताई है वो पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी टर्म तक जीवित रहने पर है। लेकिन अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उस केस में दोस्तों पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो डेथ केस में दोस्तों पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। अगर आपने प्लान का ऑप्शन 1 चुना है, जो भी आपका टेबुलर प्रीमियम है उसका 1.25 टाइम्स आपको दोस्तों इंश्योरेंस कवर मिलता है या फिर आपके नॉमिनी को अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रीमियम कितना था, 7,94,450 रुपये। इसको दोस्तों हम अगर 1.25 से अगर मल्टीपल करते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पर 9,93,062 रुपये का अमाउंट इंश्योरेंस कवर है जो निकल कर आएगा। यानी दोस्तों इतना अमाउंट पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद उसके जो नॉमिनी है उनको दिया जाएगा। वहीं आपने ऑप्शन 2 अगर चूज किया है तो यहाँ पर टेबुलर प्रीमियम का दोस्तों 10 टाइम यानी कि 10 गुना जो इंश्योरेंस कवर है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डेथ होने तक जितने साल की पॉलिसी चली होगी, रन की होगी, उतने का दोस्तों गारंटीड एडिशन भी आपके नॉमिनी को है जो दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एक्सीडेंटल डेथ या फिर जो डिसेबिलिटी कवर है राइडर से वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो पॉलिसी लेने के बाद दोस्तों अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी लॉक इन टाइम पीरियड नहीं है, यानी दोस्तों आप कभी भी अपनी पॉलिसी को है जो बंद करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी पर दोस्तों एक लोन भी ले सकते हैं और लोन रीपे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा इस प्लान को लेकर आपका कोई भी सवाल डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों LIC 2023 में टॉप 10 प्लान्स का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।